ट्रेडिंग एक आर्ट फॉर्म है, एक स्किल फॉर्म, इसको सीखना पड़ता है और जब तक आप ट्रेडिंग नहीं सीखते ना, आपका लॉस गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश का, इंडेक्स व्यू 28 अप्रैल 2023। आज था मंथली एक्सपायरी और बढ़िया एक्सपायरी हुआ आज, बिल्कुल। लेट्स सी क्या हुआ, क्या लगता है मार्केट में। हमने पिछले दिनों एक मार्क किया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये रिवर्सल पैटर्न है और उसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिला आज और एक उसके ऊपर क्लोज भी मिल गया 18,000 के आसपास। अब क्या देखा जाए, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़। ये रहा निफ्टी, ब्रेकआउट मिला, ये हमारा रेंज था 17,750 और 17,850, इसके ऊपर है। जब तक ये 17,750 के ऊपर है या 17,850 के ऊपर है तब तक सब ठीक है, फिर एक अपमूव देखेंगे इस महीने ऐसा मुझे लगता है। तो डिप्स बायबल है अप टू 17,750 तक, और अपमूव मिलेगा कहाँ तक, ये जितना ये मेजरमेंट किया है उतना ऊपर और लगा सकते हैं इसको। इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ, इसको लगाते हैं और ऊपर ये ऊपर और जा सकता है इतना। इसको शिफ्ट करना आता है और मुझे आता नहीं शिफ्ट करने को, लेकिन एक शिफ्ट करके उतना ही ऊपर जाएगा, वो करीब करीब ले जाएगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा ना, वो करीब करीब ले जाएगा करीब 19,000 के आसपास। तो है तो मार्केट में तेज। अभी कल है नया महीना शुरू होगा, अगर इसके ऊपर रहता है 17,750 और 850 के ऊपर रहता है फिर तो मजा है, फिर तो प्रॉफिट बनेगा ऑन द लॉन्ग साइड। हाँ, ऑन द वे थोड़े थोड़े रेस्ट्रिक्शन आते रहेंगे लेकिन लॉन्ग ही होना चाहिए। बैंक निफ्टी का क्या हाल है, बैंक निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, 42,500 वहाँ से सपोर्ट मिला है और उसके ऊपर क्लोज दिया, 43,000 के आसपास गया जो कल हम बात कर रहे थे। जब तक ये 42,500 के ऊपर है डिप्स वायबल है और अपमूव मिल सकता है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा जो बायस होना चाहिए वो ऑन द अपसाइड होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, रुझान अपसाइड होना चाहिए। डिप्स अर्ली मॉर्निंग मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा, जब तक हमारे लेवल्स डिफरेंट होते हैं बस। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान।